राज्य भर में बीजेपी पार्टी जिला से मंडल तक हस्ताक्षर अभियान चला रही है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल में वैट कम करने की मांग की है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कम करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की और जितने बीजेपी के शासित राज्य थे उन सभी राज्यों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी है। लेकिन ये राज्य की सरकार क्यों नहीं कम कर रही है, क्यों नहीं कम कर रही है, इसके पीछे कौन से कारण है? ये कारण मूल रूप से कि सरकार इस कार्यक्रम तो पेट्रोल और डीजल में वैट कटौती की मांग को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर लगातार दबाव बनाने के प्रयास कर रही है। ऐसी कड़ी में बीजेपी की ओर से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। मधुपुर में भी बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से शहर के पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और आम लोगों से अपील की गई कि वो बीजेपी के इस अभियान में उनका साथ दें, क्योंकि केंद्र सरकार ने जनभावना को देखते हुए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, लेकिन राज्य सरकार वैट में कटौती नहीं कर रही है। पेट्रोल और डीजल का दाम कम कराया है, उसी तरह राज्य सरकार को भी डीजल और पेट्रोल का दाम कम कराना चाहिए और जिससे आम जनता को सुविधा हो, सभी को लाभ। तो दुमका में भी पेट्रोल और डीजल में वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और इसमें पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। मौके पर लुईस मरांडी ने कहा कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी करके लोगों को राहत देने का काम किया है, उसी तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी वैट में कमी करके जनता को राहत देनी चाहिए। पूरे राज्य में डीजल पेट्रोल का बढ़ती कीमत को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया है। हम सभी को मालूम है कि इससे डीजल पेट्रोल का बढ़ती कीमत को लेकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने डीजल पेट्रोल पर बढ़ते हुए रेट को कटौती करके देश के जनता को राहत देने का काम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।